मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं हमारी आज की कुछ खास खबरें। रोजाना 4 लाख लोगों को कराएंगे लंच डिनर, 325 स्कूलों में की गई व्यवस्था दिल्ली सीएम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश भर में लॉकडाउन के बीच शनिवार से रोजाना 4 लाख लोगों को खाना खिलाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, हमने 325 स्कूलों में लंच और डिनर देने का इंतजाम किया है। हर स्कूल में करीब 500-500 लोगों के खाने का इंतजाम होगा। रैन बसेरों में भी खाना खिलाने की व्यवस्था बढ़ाई गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा, अभी एक दिन में कोरोना वायरस के करीब 3 से 4 मामले आ रहे हैं और हम रोजाना कोरोना के 100 नए मामलों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, हमारी टीम हर दिन 500 से 1000 नए मामलों से निपटने की तैयारी कर रही है। कोरोना से लड़ने सेना हो रही है तैयार। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि सेना के पास आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अंतर्निहित क्षमता है और कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए सेना तैयार कर रही है। जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो सेना की यह सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वह सीमाओं को सुरक्षित रखे। वहीं दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को हर नगर निगम वार्ड में 2 भूख राहत केंद्र बनाने का आदेश दिया है। हर एक केंद्र में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो बेघर व वंचित लोगों को दोपहर व रात का खाना उपलब्ध कराने का काम करेंगे। साथ ही दिल्ली सरकार ने शेल्टर होम्स में भी खाने का इंतजाम किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।